एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 2022 विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है तथा जनपद में 9 विधानसभा हैं जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है। उन सभी लोगों को विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को बताया गया है कि अपने सेक्टर का निरीक्षण कर लें तथा वहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ हैं तथा क्या नहीं है वो सभी जानकारी प्राप्त कर लें, जिससे किसी सेक्टर में किसी तरह की कोई कमी हो तो उसको समय से पूरा किया जा सके। साथ ही साथ ये भी देखना है कि 2017 विधानसभा चुनाव में जहां पर भी 50% से कम का मतदान हुआ है वहां पर देखें कि मतदान का प्रतिशत कम क्यों है। इस अवसर पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एसडीएम सजनवा सुरेश राय, एसडीएम खजनी पवन कुमार, अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय अंशुमान सिंह सहित अन्य अधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, गांव में जहां भी खंभे पर या किसी भी जगह पर बैनर पोस्टर लगे हुए हैं किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित, किसी भी राजनीतिक दल के संबंधित योजनाओं के प्रचार के लिए, उनके नेताओं के लिए या किसी भी रूप से राजनीतिक दलों के लिए प्रभावित कर सकता है, मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है, उन सबको रिमूव करना होता है। 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे की अलग अलग एसओपी बनी हुई है। तो उसके लिए अभी से आप लोग खासकर नगर निगम अपना जोन वाइज टीमों का गठन कर ले, उसके लिए तैयारी कर ले। वॉल पेंटिंग होगी तो उसको मिटाने के लिए आपको कुछ बाल्टी चूना इन सब की व्यवस्था करनी होगी, उसके लिए टीम डेडिकेटेड होनी चाहिए। अगर खंभों पर या यूनिपोल पर या अन्य पोल पर आपके बैनर वगैरह लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, तो उसको हटाने के लिए क्या प्लान आप करेंगे? कहीं कहीं आपको हो सकता है जो बिजली के खंभों पे काम करने के लिए हाइड्रोलिक मशीन है उसका भी प्रयोग करना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी कर ले। इसके साथ ही जो बैनर पोस्टर और हैं जिनको आप आसानी से बांस में हसिया वगैरह बांध के उसको काट सकते हैं, रस्सी में बंधा हुआ है, तो ये सब चीजें। और इसके साथ उनकी गाड़ियां हाथ में मूव करेंगी, क्योंकि जो भी आप बैनर पोस्टर काटेंगे इकट्ठा करेंगे उसको अपनी गाड़ियों में इकट्ठा करते जाएंगे, उसको बाद में डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसके लिए अभी से टीमें बना लीजिए। 5 जोन में आपके प्रभारी कौन होंगे? अपन नगर साहब आप बैठे, आप ऊपर आ जाइए। होती है या एक दल का बचा रह गया, दूसरे दल का हटा दिया आपने, तो संबंधित राजनीतिक दल शिकायत करता है कि आपने पक्षपात किया। तो चुनाव की घोषणा होने के बाद हम चुनाव आयोग के कर्मचारी होते हैं, किसी भी सरकार के या किसी भी राजनीतिक दल से हमारी कोई संबद्धता या प्रतिबद्धता नहीं होती है। तो इसलिए आप निष्पक्ष तरीके से सारे बैनर पोस्टर होर्डिंग वॉल लाइटिंग सारी चीजें हटाएंगे। किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी पार्टी का कोई भी बैनर पोस्टर बचना नहीं चाहिए। अगर कोई बचता है शिकायत का मौका मिलता है, राजनीतिक दलों को शिकायत का मौका मिलता है, आयोग में शिकायत होती है, फिर जवाब देना पड़ता है, तो ये सब चीजें ना हो इसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग आपकी टीम के लिए आपके यहाँ जोनल स्तर पर ड्यूटियां लगेंगी अधिकारियों की, वो भी देखेंगे, हमारे मजिस्ट्रेट भी देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे, सारा आपको ये करना होगा। और जो हमारे एसडीएम साहबान हैं तो हम चाहेंगे कि एसडीएम साहबान भी अगर कुर्सियां हो जाए तो ऊपर चले आए, एसडीएम साहबान, तो थोड़ा सा परिचय हो जाएगा। आप सब जानते हैं हमारा पूरा जनपद 7 तहसीलों में, 7 तहसील है, 7 है, एसडीएम साहबान ही आ जाए आपके साथ कुछ बैठ के ना, तो परिचय हो जाएगा, आप जान लेंगे कि आपके एसडीएम साहब कौन है और उनका नंबर भी जान लेंगे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट साहबान है। सहजनवा के एसडीएम साहब आप हैं, सुरेश राय जी हैं, पता नहीं पड़ेगी लेकिन आपके पास नंबर होना आवश्यक है। अब सेक्टर ऑफिसर के रूप में आपको अभी तात्कालिक रूप से किन दायित्वों का पालन करना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा AMF जिसको हम कह रहे हैं, एस्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी कहते हैं, न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताएं जो किसी भी बूथ के लिए आवश्यक हैं। आपको अभी जब एक बार भ्रमण में जाना है अगले 2-3 दिनों के लिए, 3-4 दिनों में जैसा भी अभी प्रोग्राम आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो आपको अपने प्रत्येक बूथ पर जाना है और बूथ पर क्या क्या चीजें उपलब्ध नहीं है इसकी सूचना आपको बनानी है। वो हम एक फॉर्मेट भी ग्रुप में आपको शेयर कर देंगे। मुख्य तौर पे उसमें सबसे पहले हमें रैंप देखना है, रैंप वहां पर अवश्य बना होना चाहिए, लेकिन पूरे
पोलिंग सेंटर पर अगर एक रैंप बना है तो सभी पोलिंग बूथों के लिए पर्याप्त माना जाएगा। अगर वो एक बरामदे में है और एक बरामदे में एक साइड रैंप बना हुआ है तो उस रैंप पर कोई भी दिव्यांग चढ़ेगा और आगे सभी बूथों तक जा सकेगा। लेकिन अगर वहां पर अलग अलग बरामदे में हो, जैसे हमारे जनपद में पांच या पांच से अधिक बूथ वाले सेंटर 103 हैं, ठीक, तो इसका मतलब यह है कि ऐसे सेंटर्स हो सकते हैं जहां सबसे बड़ा सेंटर 17 बूथ का है एमपी पॉलिटेक्निक में। ऐसा हो सकता है कि वहां पर दो तीन साइट्स हो, तो आपको यह देख लेना होगा कि अगर कोई दिव्यांग आता है तो बाहर रैंप पर कैसे चढ़ेगा, अंदर अगर उसे अपने बूथ तक जाना है। निर्वाचनों की घोषणा होने वाली है, हमारे जनपद गोरखपुर में 9 विधानसभाएं हैं, तो उन विधानसभाओं में जो सेक्टर ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं, सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, आज सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया था, सबको प्रशिक्षित किया गया कि आगामी निर्वाचनों में इनका क्या दायित्व होगा, और लोग अच्छे से प्रशिक्षित हुए हैं। धन्यवाद। सर, क्या क्या जानकारी दी गई? इनको यह जानकारी दी गई कि आपको अपना जो सेक्टर है उस एरिया में अभी जो इन्हें अगले 4-5 दिन में करना है वो एक बार ये देख लेना है कि जो AMF है, न्यूनतम सुविधाएं हैं बूथ पर, वो उपलब्ध हैं या नहीं। सामान्य तौर पर सभी जगह सभी सुविधाएं हैं, लेकिन इसकी एक बार पुष्टि हो जाएगी, एक बार इसकी जांच हो जाएगी। दूसरा, इनको अपने सेक्टर एरिया में ये देखना है कि पिछले 2017 के निर्वाचन में जहां पर भी 50% से कम का मतदान हुआ है वहां पर ये देखें कि मतदान का प्रतिशत कम क्यों रहा है। इसी तरह से जहां पर जेंडर रेशियो कम है वहां पर इनको देख लेना है कि जेंडर रेशियो को कैसे अभी भी कैसे ठीक किया जा सकता है।